ने नाम बताया, एकदम ठप्पा लग गया मुसलमान है। यही तो संसार है संतो। इसीलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, यह जो सत्य है ये इसी नाम रूप के ढक्कन के द्वारा ढक दिया गया है। इससे निकलने के लिए प्रारंभ होता है अपने देहात्म बुद्धि का तिरस्कार। इसलिए जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि का तिरस्कार होगा वह साधना है। तो जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो इधर ही ध्यान देना कि हम ध्यान के लिए बैठे, ऐसे बैठे कि एक बार जैसे हम लोग मंदिर में आते हैं, यहाँ मुझे वैसे दिखता नहीं लेकिन कई जगह में बड़े शहरों में होता है, मंदिर में आते हैं तो अपने जूतों को पार्किंग लॉट में रखना पड़ता है, वहाँ से टोकन लेना पड़ता है। यदि आप वैसा ना करो, वैसे चप्पल छोड़ के चले आओ तो आकर के भगवान से वही प्रार्थना करनी, भगवान जरा ध्यान रखना मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। तो जब हमारा ध्यान चप्पल में रहेगा तो भगवान पर थोड़ी रहेगा। इसी प्रकार से हम ध्यान के लिए बैठे और पूरा ध्यान देह पर है कि हमारा आसन ठीक लगा है कि नहीं, और यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, ऐसा व्यक्ति देहात्म भाव का त्याग कैसे करेगा? देखो, और थोड़ी एक स्टेप आगे लेते हैं। यदि देहात्म भाव का त्याग हो रहा हो तो उसका अर्थ है जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे। देखो, हम हमारा पोता, कितना फर्क होता है। कोई दूसरा बच्चा होगा, ए गड़बड़ मत करना, चुप बैठो, हमेशा गड़बड़ करता है। और अपना पोता होगा, स्वामी जी मुझे ना उस दिन जब मैं देख रहा था कृष्ण की वो सीरियल, तो कृष्ण के नटखट उस क्रिया को देख करके मुझे अपने पोते की याद आ रही थी, खोता। अपने पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए, तो उस भगवान को देख करके पोते की याद आ रही, कितना दरिद्र है। क्योंकि वो मेरा है ना और मैं देह हूं। इसीलिए साधु संतों को सबके प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होता है, इसका यही कारण है कि उनका अपना कोई नहीं, सभी अपने हैं और फिर भी कोई भी अपना नहीं। तब जाकर के हमारा देहात्म भाव धीरे धीरे गल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देहात्म भाव के निवृत्ति का दूसरा लक्षण है जगत में हमको कुछ भी करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, टाइम पास करना है बस, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये करेंगे वो करेंगे, राम 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 राम। देखो, एक बार गंगा जी के किनारे हम गए थे दिल्ली से, 3 घंटे का ड्राइव। हमको कहा था कि स्वामी जी आप वहाँ कैंप करिए, हमको बताने की, हमने कहा हमको दिखाओ कैसा जगह है, तो हम गए देखने के लिए। तो एकदम आश्रम था, डायलिपिटेटेड हो गया था, वहाँ के बाबा जी मर चुके थे। उस बाबा जी ने वहाँ 11 या 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर बना के रखे थे गंगा जी के किनारे, और हर एक मंदिर के ऊपर में नाम लिख दिया था, सोमनाथ है, केदारनाथ है, कृष्णेश्वर है, एक 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 नाम रख रखे थे। सबको ताले पड़े हुए थे, शिवजी अंदर में बैठे, अरे बाहर तो आने दो। और उसमें से एक शिवजी का मंदिर जो था गंगा जी ने काटने के कारण ऐसा थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था। हम वहाँ जब गए तो वहाँ गांव का मुखिया आया, और सुबह सुबह एकदम हाईली स्पिरिचुअल था। आने के बाद हमको कहते हैं बाबा जी इसको ठीक करो, हमने कहा मैं क्यों ठीक करूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? बोले ये काम तो बाबा जी लोगों का होता है। हमने कहा हम नहीं करते कोई काम, हम बेकार हैं, काम भी नहीं करते। लेकिन फिर ये इसका उद्धार कैसे होगा?
तो हमने उनको कहा, महात्मा जी तुम्हारे कन्हैया की द्वारका कहाँ है, तुम्हारे राम की अयोध्या कहाँ है, कि ये ईंट पत्थर के मंदिर रहने वाले हैं। लेकिन कोई भी महात्मा इसको ठीक नहीं करना चाहता, कारण क्या है समझ में नहीं आता। तुम बताओ कारण क्या है। लोगों का कहना ऐसा है कि इन्होंने ये मंदिर बनाए और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और इसीलिए उसको ताला भी कोई खोलने को तैयार नहीं, ताला खोले और मर गया तो। जब तक कि इस दुनिया में हमको कुछ करना है तब तक के देहात्म भाव निवृत्त नहीं हुआ। हमारे अंतकरण में कभी ये संकल्प आता है क्या, कल के सपने में पानी का बंदोबस्त करेंगे, आज के सपने में पानी का परेशानी था? नहीं, वो सपना वही के वही खत्म, खल्लास, एवरीडे ए फ्रेश सपना। देखो, इसीलिए जगत में जब तक हमको कुछ करना है तब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हुई। देखो संतो, तो फिर ये जगत की स्थिति क्या है, ध्यान से सुनना। जगत परमात्म रूप से सत्य है, नाम रूप के रूप से मिथ्या है। अब अगली स्टेप ले रहे, नाम रूप को महत्व देंगे तो राग द्वेष का निर्माण होगा, मैं तू तू होगा, और इस जगत को परमात्मा रूप से स्वीकार करेंगे तो परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा की इंप्रूवमेंट नहीं करते। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो क्या हुआ, केवल हमारे फोकल लेंथ में चेंज हो गया है। जब संसारी फोकल लेंथ होगी तो नाम रूप का जगत सत्य होगा, और जब वेदांत चिंतन के बाद जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो नाम रूप की फोकल लेंथ चेंज हो गई, और उसका जो सबस्ट्रेटम है चेतन सत्ता उसको हमने ग्रहण किया। देखो, इसीलिए वेदांत चिंतन माने केवल अपने फोकल लेंथ को चेंज करना है, कुछ नहीं करना। देखो, पापी सर्वत्र पापम आशंकते, जिसके मन में पाप है वो दुनिया में सब में पाप ही देखता है। एक अपना इंडियन बूढ़ा हो अमेरिका पहुंच गया, और वहाँ काम धंधा तो कुछ होता नहीं, सब बूढ़े इकट्ठे आकर के बस बैठते हैं किसी बड़े मॉल के बाहर में बैठे थे। तो वहाँ दो जवान, दोनों एक जैसे ड्रेस, गले में हाथ डाल करके आ रहे थे। तो ये बूढ़ा हो गए देखने के लिए अपने पोते पोते के पास, तो एक को कहा, देखो ये दोनों पता नहीं लड़कियां हैं कि लड़के हैं, कैसे चल रहे हैं देखो। तो उसने कहा, ये एक लड़का है एक लड़की है। ओ, लड़का लड़की ऐसे व्यवहार कर रहे हैं? बोले हाँ, वो भाई बहन है। तुमको क्या मालूम, तुम उसके बाप हो क्या? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूं। जब हमने केवल नाम रूप को देखा तो हमारी दृष्टि भिन्न है, और जब उस माँ ने देखा कि अपने ही दो है बच्चे, भाई बहन, अब भाई बहन प्यार में आकर के एक दूसरे को हाथ पकड़ के गले लगाए तो कोई पाप है क्या? तो जहां हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो हमारा वेदांत चिंतन ठीक हुआ। विवेक चूड़ामणि में आता है, पूरा उसका विवरण पूर्ण होने के पश्चात, उसके पश्चात गुरु महाराज को नमस्कार करके शिष्य विदा हो गया, और गुरु महाराज फिर अपने मस्ती में निकल गए, फिर वो दोनों कभी मिले नहीं। देखो महाराज, नहीं तो गुरु महाराज चेले को ढो करके चलते, चल बेटा चल बेटा।